दोस्तों आज की इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग में जीरो टू हीरो ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ट्रेडिंग तो सब करते हैं लेकिन हमारे जैसी ट्रेडिंग कोई नहीं करता है जो लॉस यानी लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ऐसा रिकवर कर सकते हैं इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रेडिंग। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप चल सकते हैं, वरना आप मेरी तरह मूड पकड़ के ही रहोगे। दोस्तों ये जो आपको ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, मात्र आपको हम 300 रुपये से ट्रेडिंग करके दिखाएंगे और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा। जैसे ही हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम पुल एंड अप का ध्यान रखेंगे। पुल और अप का ध्यान रखते हुए हमने बहुत सारी पहले से ही वीडियो बना रखी हैं लेकिन उनको नहीं देखना है दोस्तों आपको, आपको सिर्फ इसी पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेड लेंगे निफ्टी 50 में। जिसको भाई को पता है निफ्टी 50 में किस तरीके से ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड ले सकता है, अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेड लेना भी सिखाएंगे। दोस्तों ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले अपने अकाउंट में 300 रुपये ऐड कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। हम ट्रेड करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन पर। आप किसी पे भी कर सकते हो, ग्रो पे कर सकते हो, एंजल वन पे कर सकते हो, अपस्टॉक्स पे कर सकते हो, इन तीनों एप्लीकेशन में से किसी पे कर सकते हो। ये कोई भी हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आप जिस पे चाहो उस पे कर सकते हो। तो चलिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में से एक में हम आपको ट्रेड करके दिखाएंगे। जो फ्रेशर होते हैं उन्हें निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 में आपको ट्रेड करके दिखाएंगे कैसे ट्रेड की जाती है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन चेन पे जाएंगे, अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है ऑप्शन चेन में 19,500 और 19,550 के बीच में। आप इस प्राइस को देख सकते हो। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कॉल का, कॉल कितने पे आएगा एंड कॉल प्राइस कौन से होते हैं। कॉल प्राइस जो दिखे हुए आगे वो कॉल प्राइस होते हैं जो कि इंट्राडे के लिए होते हैं, ऐसे ही पुट प्राइस होते हैं। कॉल और पुट प्राइस को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। निफ्टी 50 हो या फिर और कुछ भी हो, उसमें ट्रेडिंग करने के लिए हमें कॉल और पुट ध्यान रखना होता है इंट्राडे के लिए। जैसे जैसे इंट्राडे में हम कॉल और पुट ध्यान रखते हैं, हमारा जो 5x का प्रॉफिट है वो आगे बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों कॉल और पुट को ध्यान में रखते हुए अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस को बढ़ाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो कभी अप तो कभी डाउन हो रहा है, लेकिन आपको निफ्टी 50 में ये दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो अपना पहला 100 रुपये से निफ्टी 50 में प्राइस ले लिया है, जो कि आप देख सकते हो जो हमें निफ्टी 50 यानी इंट्राडे के लिए हम जब करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है यानी 5x हो जाता है। जो प्राइस अप होता है वो डाउन मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर अंडर क्वालिटी ले ली है 1205 रुपये, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये हमारा सक्सेसफुल भी हो चुका है। जैसे हमें एग्जिट ऑल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा पोजीशन दिखा देगा। ये निफ्टी 50 चल रहा है अभी हमारे अकाउंट 11.5 रुपीज़, जो कि हमने अभी आपको पुट और ऑल में दिखाया था। यहाँ पे अपना प्राइस लगा देंगे, जो भी हम फाइनल प्राइस यानी टारगेट प्राइस जो भी रखते हैं वो लगा सकते हैं, एंड जो लॉस रिकवर करना है वो भी यहाँ से हम लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 1200 रुपये का प्राइस लगाया है उसको स्टॉप लॉस और उसका ध्यान रखते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हमें लॉस हो रहा है 85 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ का, जब हमने प्रॉफिट करेंगे। तो चलिए यहाँ से दोस्तों 1200 में जो जीरो टू हीरो स्टॉप लॉस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टॉप लॉस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपना क्वांटिटी लगाना होगा स्टॉप लॉस को कंप्लीट करने के लिए। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपका ग्राफ जो है डाउन जा रहा है और आपको स्टॉप होता ही जा रहा है। स्टॉप लॉस को रिकवर करने के लिए सबसे पहले हमें अपना एक टारगेट प्राइस फिक्स कर देना होता है। जैसे हम टारगेट प्राइस को फिक्स कर देते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रुक जाता है, यानी आप जितना, जैसे आपने 1200 के ख़रीदे, अगर 80 रुपीज़ चल रहा है स्टॉक का प्राइस, तो आप 70 रुपीज़ पर अपना स्टॉप लॉस रोक सकते हैं और आपका ऑटोमेटिकली यहां से अपना ट्रांजैक्शन हो जाएगा और आपका स्टॉक जो है उसी टाइम पे सेल भी हो जाएगा। तो यहां पे हम जो है 11.25 रुपीज़ देख सकते हो और अब हो चुका है ये 12.50 रुपीज़ 20 रुपीज़ के समथिंग। जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है या घटता है तो हम उसी हिसाब से यहाँ से अर्निंग होती जाती है। जैसे ही हमने इस निफ्टी 50 में 12 रुपीज़ में स्टॉप लॉस किया, उसके बाद में यहाँ पे हम वन डे का इंट्राडे देख रहे हैं, जो कि हमारा इंट्राडे का जो प्रॉफिट है यहाँ पे देख सकते हैं 9:44 पे जो था 7 रुपीज़ था, इस तरीके से ये डाउन गया, इतना डाउन जा चुका था, लेकिन अचानक से ये
10:44 AM पे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप देख सकते हो 12 रुपीज़ तक पहुंच चुका है ये ग्राफ के अकॉर्डिंग 12 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। जैसे ही 12 रुपीज़ पे पहुंच गया उसके बाद में आप देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट है वो 230 रुपये रिटर्न्स हो चुका है। यानी हमारा जो हमारा प्रॉफिट अगर हम चाहें तो इस प्रॉफिट को अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी हमने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया या टारगेट प्राइस नहीं फिक्स किया है तो हमारा जो है और भी प्रॉफिट यहाँ से हम बना सकते हैं। हमने 1200 के समथिंग का लगाया था लेकिन अब 1400 हो चुका है तो यहाँ से हम जो है प्राइस को अर्न कर चुके हैं और यहाँ पर हम 235 रुपीज़ का प्रॉफिट भी हो चुका है। अब 230 रुपीज़ का प्रॉफिट है, अगर हम चाहें तो इसे एग्जिट ऑल भी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में हमारा इस टाइम पे कहाँ पर चल रहा है। जैसे निफ्टी फिफ्टी में जाएंगे तो देख सकते हैं वही कॉल प्राइस और पुट प्राइस देखने को मिलेगा। कॉल प्राइस में हमने लिया था पहले 10.75 वाला, लेकिन अब लेंगे हम 2.55 रुपीज़ वाला। जैसे ही हम इस को बाय करते हैं तो यहाँ पे हमने स्टॉक की क्वांटिटी को कंप्लीट कर लिया। जैसे ही हमने यहाँ पे स्टॉक की क्वांटिटी कर ली है 250 रुपीज़ और हम इनको बाय कर लेते हैं। जैसे ही हम बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आराम से बाय हो जाएगा। जैसे ही बाय हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से हम जो है देख सकते हैं इसका प्राइस जो है 302 रुपीज़ हो जाता है। प्राइस लिमिट भी आप अपना ऐड कर सकते हैं स्टॉप लॉस को रोकने के लिए, आप डिलीवरी में कर रहे हैं या इंटर डे में वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से प्रॉफिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको अपना डाल देना है प्राइस लिमिट, आप कितना प्राइस लिमिट तक लेना चाह रहे हैं स्टॉप लॉस को रोकने के लिए। तो यहाँ पर हमने अपना प्राइस लिमिट 2.515 रख देते हैं और बाय ऑर्डर हो चुका है। यहाँ से हमारा क्या है कि हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस हो गया उसको हम यहाँ से रिकवर कर पाएंगे। देख सकते हैं 245 रुपीज़ है। जैसे हमारा थोड़ा सा भी नीचे या अप या डाउन जाएगा तो हमारा जो प्राइस अलर्ट है वो बता देगा एंड स्टॉप लॉस भी हमारा रुक जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हम स्टॉप लॉस को भी बचा सकते हैं। जो हमारी पहली ट्रेडिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई और सेकंड ट्रेडिंग में हम बाय कर चुके हैं, यानी हमारे दोनों स्टॉक्स को हमने कंप्लीट कर लिया और हमें जो प्रॉफिट है अभी 230 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ से हमने 1200 के खरीदे थे और हम 1430 के समथिंग हमने यहाँ पर प्राइस को भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से अगर हम अब बात करें 2.15 के रेट पे भी बाय करते तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता ही रहता। इस तरीके से यहाँ से आप बाय एंड सेल कर सकते हो। और निफ्टी फिफ्टी में और ज़्यादा अर्निंग के लिए आप जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है अगर आप पेशेंस रखते हैं। अगर पेशेंस नहीं है तो लॉस ही लॉस होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर, स्टॉक से रिलेटेड, ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड एंड किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना है उससे रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।